السلام علیکم ناظرین کشیر خبرنامہ ہے چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل اتر پردیش مز یتی ین والین اسمبلی انتخابن حوالہ سیاسی جماعتو طرف ووٹر پانس کن پھرن چ کوشش بدستور جاری چ تت چ بھارتیہ جنتا پارٹی طرف منعقد اکس تقریب دوران امت شاہ دفعہ 377 رام مندر ذکر کران ووٹرن پہ زور دتمت تم گھن ین والین اسمبلی انتخابن مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس حقس مز پن ووٹک استعمال کریں जब धारा 370 पर बहस हो रही थी ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी और अखिलेश बाबू कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू किसको धमकाते हो भाई, खून की नदियां छोड़ो किसी ने कंकड़ डालने की हिम्मत नहीं करी अपना कश्मीर आज भारत माता का अभिन्न अंग है, इसको कोई अब भारत से अलग नहीं कर सकता। सपा बसपा की जब सरकार थी तब आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों का सर काट कर दिया, केवल सपा नहीं करते थे मगर सपा बसपा कांग्रेस के माथे पर जू नहीं है क्योंकि उनकी वोट बैंक उनको होती। अगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सपा मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। तो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा जोर से बोलो कितनी। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई थी या नहीं थी? यदि कहवत तो कौन सर पे चढ़ा कर बैठा था? सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा, ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो कौन? तो आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहाँ है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबरा मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन रियल इस्टेटस हवाले कत कान वोनमुत तिज पार्टी चन सरमाकारी खिलाफ बल्कि जरूरी मुकामी बाशिंदन हूं गज खास ख्याल थान। देखिए जहां तक मुझे मालूम है और जितनी हमने भी क्लैरिफिकेशन की, क्योंकि आपको पता है रियल्टी जो रियल इस्टेट का समिट हुआ था उस पर हमारी रिजर्वेशन काफ़ी थी, लेकिन जितना हमें इस पर जो क्लैरिफिकेशन हमने भी ली, जो भी सरकारी लैंड यहाँ कहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट विल गो थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। इसलिए हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र अगर होगी, सरकार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को दिया या सरनोई डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो तो एज़ यूजुअल पहले भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो जब बेचेंगे डेवलप करेंगे वो भी ऑक्शन पे ही जाएगा। ऐसा कोई नहीं कर सकेगा कि सरकारी ज़मीनें हैं तो मुफ्त में या अंडर द टेबल होंगी, तो मुझे नहीं लगता है। और अगर ऐसी कोई न्यूज़ निकली है मैं
आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना इजाज़त दी जाएगी होने, और ना मुझे लगता है कि जो करंट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके जहन में भी ऐसी कोई पॉलिसी होगी। देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर स्टैंड है कि यहाँ की ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए है। ठीक है, डेवलप बाहर से आके रियल्टी जो रियल इस्टेट फर्म है वो करे, बाकी उनको जो फ्लैट बनाने हैं या उनको जो प्लॉट बनाने उसके हकदार खाली डोमिसाइल। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन रियल इस्टेटस हवाले कत कान वोम खबर अमे हवाल ब्रो कुन तम तशवीशनाक तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज लूकन मज पद सपुदमु तशवीश दूर करनस हवाले संजीद कदम तुलन। ये सबसे बड़ी बदकस्मती होगी कि अगर जो कुछ ये पेपर्स वगैरह अखबारों में आया है तो हम मानेंगे कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर सेल पर है, हम इसको यही तस्वीर करेंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है जिसका इजहार उन्होंने किया, जितना जल्दी मुमकिन हो सके सरकार को चाहे कि ये फैसला वापस ले, ताकि जम्मू कश्मीर पहले ही एक दलदली में फंसे हुए हैं, यहाँ के लोग भी, यहाँ के जवान भी, यहाँ के तालीम याफ्ता बेरोजगार बच्चे भी, तो उनको मजीद बेइज्जत करना, इन चीज़ों से महरूम करना सबसे गलती बड़ी गलती होगी और सबसे बड़ा जुल्म होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ, यहाँ के जमींदारों के साथ। ये हक हमारा है, इसके मुतलिक यहाँ पर 31 से बहुत सी कुर्बानियां दी गई है उसको हासिल करने के लिए। अगर आज ये वाका हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती और जिसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार को चाहे कि तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की बेरोजगारी, हम पहले ही बेरोजगार है, गरां बाजारी है, और पढ़े लिखे हमारे नौजवान जो मुतासिर है और जिनको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है, जो वादे किए गए थे कि यहाँ पर हजारों लोगों को भर्ती किया जाएगा, आज तक बताइए कि क्या हुआ यहाँ के लोगों के साथ। हाँ, भर्ती भी हुई, उस बारे में इस वक्त मैं जाना नहीं चाहता हूँ, किन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ना इंसाफी हो रही है, सरकार को चाहिए कि पूरी तौर इस फैसले को। पी डी पी सदर महबूबा मुफ्ती ये श्रीनगर में पेश आमतिस एसिड वाकस हवाले अफसूस इजहार कुर तमो कर्नाटक में हिजाबस पे पाबंदी करनस हवाले मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वोनमुत अकि तरफ मरकजी सरकार तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नार दिन तो दोमि तरफ यथ हुकुमनाम जारी करने इवान। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबाने हैं, उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना मैं समझती हूँ ये गलत है, हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे, पर्दा करती है, हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। टूरिस्ट ड्राइवरों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाज मुजाहरे करना आमुत, ये दौरान एहजाज में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सयाती जायन पे गन वाल ड्राइवर हिंद कागज गन अक जाए चेक कर युद्धन तम मुश्किल हिंद शिकार सपदन। ये जनो ड्राइवरों तरफ वन आव जोदवे कह ड्राइवर श्रीनगर पे कुन तयती जाए कुन ग तकरीबन पांच पे शन जायन पे तहद कागज चेक करान यमकिन न सिर्फ ड्राइवर बल्कि गाड़ी में मौजूद सयाह मुश्किल हिंद शिकार सपदन।
تلس گڈ پرسوک زندہ باد اشوک ٹرافی زندہ باد اشوک ٹرافی زندہ باد اشوک ٹرافی زندہ باد بی بی زندہ باد اشوک ٹرافی زندہ باد ڈرائیور آنر زندہ باد ڈرائیور आज का प्रोटेस्ट हमारा ये हम टूरिस्ट ड्राइवर्स हैं, हमारा प्रोटेस्ट ये है कि हम आईजी और एसएसपी ट्रैफिक साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारी गाड़ी का डॉक्यूमेंट देखना है, जो हमारा येलो प्लेट गाड़ियां हैं, टैक्सीज हैं, वो हमें एक जगह पे देखो। अगर हम गुलमर्ग के लिए रवाना होते हैं तो एक जगह पे हमारे डॉक्यूमेंट चेक करके हमें अलाउ कीजिए। 5-5 नाके लगाने की क्या ज़रूरत है, 6-6 नाके लगाने की क्या ज़रूरत है? एक जगह पे अगर चेक हो जाएगा तो वो सारा ही चार्ज ऑनलाइन है सारा। गुलमर्ग में भी वही हालत, बादगाम में भी, सोनमर्ग में भी वही हालत। ये आईजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमें 5-5 जगह पे ना रोकें, जिससे हमारा टूरिस्ट भी हरासमेंट होता है और हम साथ में होते ही होते हैं। और दूसरी बात है कि प्राइवेट गाड़ियाँ हमें बंद होनी चाहिए जो इलीगली चल रही हैं टूरिस्ट के साथ, उन पर ज़्यादा शिकंजा कसा जाए। پہریگام پلوام کے لوکو طرف آج احتجاج مظاہرہ کرنا آمت یا دوران احتجاج میں شامل لوک انصاف فراہم کرنے مانگ کران اس احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقہ میں روزگار کماونے باپت ہارٹیکلچر تو ایگریکلچر اک واحد ذریعہ تاہم کینچو خودغرض لوکو تو مائننگ اینڈ جالوجی محکم کے ذمہ داروں طرف رلت ملت ہارٹیکلچر تو ایگریکلچر زمین نقصان واتن کوشش کرنے یمکن مقامی لوک یمکن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل لوکو طرف ایل جی انتظامیہ مانگ کرنا آمت زیات معاملس کن گئے زون دن یون یت زن لوکن من پود سپد مت تشویش دور کرنی ہم پہریگام پلوامہ سے آئے ہیں، ہمارا ایک برننگ ایشو ہے اس وقت، چونکہ پہریگام کا جو مین ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بادام باغوں پہ منحصر ہے جو کہ کریوا میں واقع ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے کچھ خود غرض زمینداروں نے ایک مضمون کوشش کے تحت اس لینڈ کو، ان باغات کو بٹھوں میں، اینٹوں کے بٹھوں میں تبدیل کرنے کی مضمون کوشش کی، جس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملے۔ اب چونکہ وہ کوششیں اب پھر سے شروع ہو رہی ہیں، اسی آرچارڈ لینڈ کو پھر سے وہی بٹھوں میں اور وہ سوائل ایکسٹریکشن میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں ڈی سی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ اس مضمون کوشش کو پھر سے ناکام کیا جائے اور کوئی پرمیشن، چاہے وہ سوائل ایکسٹریکشن ہو یا برک کلن ہو، دونوں کو اس زمین میں بالکل کوئی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ گیرے پہریگام آت مچنا عبدالغنی بٹ اج سن مطالبہ یت کہ پتمہ لٹ تم خاطر اک فائل اس موجود یس مجھے ہارٹیکلچر پولوشن والے ہن سرٹیفکیٹ یا سا ایگریکلچر والے ہن سکول والے ہن ایجوکیشن کہ ان سے چھن سیوٹ کران کن تہ لینڈ ایکسٹریکشن نہ سا کن تم چیز یم سی پولوشن کریٹ گھس ام سی گھن لوک متاثر بیس ساری کھت بوڑ بار چیز سورس آف انکم سانس گامس مین سورس آف انکم سہ لینڈ اس ہارٹیکلچر لینڈ یت مجھے بادام زعفران یت مزن آلریڈی ونکس 6-7 بور ویل آلریڈی ایکچر تھرو زعفران مشن بہن شتہ کنالن آلریڈی زعفران تروم یہ اس کی نفر خود غرض نفر کیوان گھر زور یس میں کنال 10-30 تم جسموں یہ ساس بوت کنال زمین یہ سا یہ متاثر کر آلریڈی پتمہ وری فائل موجود یس من یہ ڈی سی سندس پورٹل گورنر پورٹلس پہ آلریڈی سو ایپلیکیشن مطلب یہ سا یہ گورنر صبن ڈسون کرمت تو یہ سا اس سون مطالبہ یت اتنا سا گھر یہ چیز۔ خانوسا گروارا آلوسا تو چھاندجی بنڈپور کے لوکو طرف آج ضلع ترقیتی کمشنر بنڈپور سندس دفتر برہ کن احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یا دوران احتجاج میں شامل لوک انصاف فراہم کرنے مانگ کران اس احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوئی امن علاقن من پی ایم جی ایس وائی طرف سڑک تعمیر کرنے سوال لوکن نش ملکیت زمین حاصل کرنا آئی تاہم چھ آج تام معاوضہ فراہم کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان احتجاج میں شامل لوکو طرف ضلع ترقیتی کمشنر بنڈپورس مانگ کرنے آمت زیات معاملس کن گئے زون دن یون یت زن غریب لوکن انصاف فراہم سپد
पहले निकाला गया 2007 से आलूसा टू कैसन, उसका भी अभी 4 किलोमीटर का मुआवजा बकाया है, जबकि जमीन का कीमत भी किया गया और हमारे साथ वादा भी किया गया कि 2013 में आपका ये मुआवजा हम एंड करेंगे। 2013 में रोड मैग्नेटाइज होती है और आप जो उस पर सर्विस भी चालू है 2013-14 से, अभी तक उस 3 किलोमीटर का मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद दूसरी रोड निकाली गई आलूसा से शेख मकाम टू हलमतपुरा और उसका भी अभी मुआवजा बकाया है और 2017 में 18 में वो भी मैग्नेटाइज होगी, 19 में लास्ट में वो मैग्नेटाइज होके एम सफर कर रही है, मुआवजा कहीं नहीं है। हमारी इस वक्त डिमांड है, मेहरबानी कीजिए, हम डीसी साहब से पिछले बार भी आए, हम डायरेक्शन ऑफिस भी पहुंचे और वहां भी कह दिया गया कि अभी 14 करोड़ रुपए हमने डिमांड दी हुआ, अभी नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा, लोगों को कब पहुंचेगा, कब देंगे मेयर। अब हम चाहते हैं, यही हमारी डिमांड है एलजी साहब से, डीसी साहब से, जितने भी हमारे मेहरबान हैं यहाँ से जम्मू तक, हमारी मांगे बस पूरी कीजिए, गरीब आवाम का पैसा मिल जाए। उन्होंने ज़मीन दे दी हुई है, ज़मीन की कीमत भी मुकर्रर हुई है, सभी चीज़ें, हम रोड को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ मिल जाए कि मुआवजा मिल जाए लोगों को। 2018 मैं नमस पी एम जी वाले ज़मीन रोड खातर हिल कॉलोनी पे टंगावारी रोड ग मुआवज ये रिन्यून कागज तर बन तुम कर सबमिट डी सी आफिस त मगर वनुक तुम जिसम 30 वहर कुल 20 वहर कुल बेसहारा बेसहारा गरीब आवाम गरीब जमींदार ना नौकरी ना चीज सन बचे जमीन अमीन तिंदिस पे कनाल दून कनाल जो कनाल सोर यू गवर्नमेंटन अमुक मुआवजे वनुक तुम तो मिलान कि तथ सिर्फ अस पी एम जी वाल जबरदस्ती हम रोड निकालेंगे मगर असन कह इंसाफ वनुक तुम आव कह इंसाफ कर चोर वरी या 5 वरी वह सफर करा वह सफर करा करा गुजारिश करा पंडित डी सी साहब गुजारिश पंडित एल जी साहब गुजारिश सो चीफ सेक्रेटरी साहब गुजारिश कि सो ये कथ बूझतो अरतो ये वाव गुजार बेसहारा। शुमाली कशीर हिंदिस उड़ी इलाकस में आज पंचों तो सरपंचों तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल पंच तो सरपंच महकमे देही तरक्की खिलाफ नारबाजी करान एहजाज में शामिल पंचों तो सरपंचों तरफ वनना आमुत यदवे इलाकस में तैनात बी डी ओ सिंधे जैर कयादत में पतमें केंचन रेतन दौरान तमीर तरक्की हिंस कैया काम सब्ज ताहम अचानक तिज तब्दीली हिंद अहकाम सदर करना आमुत यम कि पंच तो सरपंच एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल पंचों तो सरपंचों तरफ मांग करना आमज जे मुतलिक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर सन वापसी हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन लूक दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन कि हमारा यहाँ पे बी डी ओ साहब अभी आए हुए थे, 3 ही महीने हो गए बी डी ओ जो नवीद साहब है उड़ी में आए। सर जितना काम हम 2 साल से नहीं कर पाए उतना काम उन्होंने 2 महीने में किया और इतना जबरदस्त काम कर रहे थे, पंचायत को इतनी रेस्पेक्ट दे रहे थे और अभी हमें पता चलने लगा था कि हाँ पंचायत है। हमारे पिछले 2 साल बिल्कुल बेकार हुए क्योंकि काम नहीं हुए हल्कों में, तो आज सरकार ने यहाँ से जो अच्छा आदमी उड़ी में आते हैं, हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, अगर कोई काम करने वाला अफसर आता है उसे सरकार रातों रात उठा लेती है। हमारी सर ये डिमांड है कि इस वीडियो को जो लोकल है यहाँ का नवीद साहब उसे वापस ना दिया जाने दिया जाए, अगर उसको वापस ये लोग भेज रहे हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, एक होता है कहना सर, दूसरा होता है प्रैक्टिकली, हम 13 के 13 जो ब्लॉक उड़ी के सरपंच है हम रिजाइन देंगे। क्या हम सब रिजाइन देंगे? क्या हम सब रिजाइन देंगे? सर हम सब रिजाइन देंगे, हमें वीडियो उड़ी वापस चाहिए, अपनी जगह पे चाहिए, उसको यहाँ से हटाया नारुआ में डाल दिया। एक काम करने वाला जो भी अफसर सर हमें उड़ी में जिस वक्त भी आता है यहाँ पे उसे टिकने नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रही है हम लोग काम कैसे करें, बॉर्डर एरिया के लोग हैं, 2 महीने 3 महीने वीडियो आते हैं फिर चले जाते हैं, तो हमारे काम सर नहीं। ईदगाह त्राल अंद पे रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदव ईदगाह अंद पे देवार दिनस हवाले इंतजामिया तरफ कदम तुलना आई ताहम चुन आज ताम देवारबंदी मुकम्मल करना आमुत यम कि मुकामी लूकन मज तश्वीश पद सपदमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत देवारबंदी मुकम्मल करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन मज पद सपदमुत तश्वीश दूर करने यी। मुश्किलात है यम वह 2 वरी 3 वरी वन अ टेंडर त्रामच
गेटों खातर मगर वन तुम ग गेट तो तैयार कहें ये जान मुश्किल ये मयत या नमाज ईद तमि गठा मुश्किल ये अच्छा बेच सारे खुद अमे अपोर जानवर पानवर आर हून आ ग गंद सही यह मस्जिद शरीफ मगर यम कुल कदम ये मुतलिक ये एडमिनिस्ट्रेशन अपील ये गेट गाजत गेट गेपर ये करो लेवल करो ये ते वरी वन चोर वरी नमन करो ये लेवलिंग मगर वन ईज पत् ईज दो करो ये लेवलिंग अच्छे प्रोग्राम मगर सह मौक आव नुन बे लाइटन हूं तुम आयो योत आयो डी सी साहब तयो ए सी साहब तयो तो मगर वन तो गोन कहें चार यह मस्जिद यह मस्जिद बुड़ बार जामिया मगर ये करो गोरमेंटन अजरा अ दीवार पत्न इथे कल यल रूद अत नक गेट मज रूद ठोट तथे कवल अंदर कर लाइट दोपुक लागो दीवार दिमोस बे मगर थोक ना दुख हे आज पगह आज पत् आयो डी सी साहब तो अक तम ते अस करे तेज गुजारिश तम दपे यह गज जरूरी मगर गो ना कहें पत् गए ये एच डी एम सोबस तक अम दिन दो दिख नजर यह सम दजर ये अम तुत दोपन हे कह दोन त्रेन हफ्तन अंदर अंदर गत मगर गो ना ये मन जंगल अच्छी जानवर से यप पेशाब वे नमाजन पड़ा ये वे जनाज पड़न अस पे गोड़ सफाई करें ये अत पे जनाज पड़न अत ये बनो ना अंदर अच्छु यह होने ये कर्मुत अपील सी यह गोस ठीक कर ईद खत यह क्या लाइट मान त्राल ग चीज ये फलहालन पटनको लूको तरफ से शिकायत बवान वन आम जोदवे महकमे समाजी बहबूद तो आई सी डी एस तरफ लूकन हिज बहबूदी हवाले कई स्कीम मुतारिफ कर आम ताहम आज तम इलाक लूकन तम इन स्कीमन हूं फायदे वातना आमुत यम कि मुकामी लूकन मज मायूसी सपज मुकामी लूको तरफ से एल जी इंतजामिया मांग कर आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युन जन पलालन लूक तमो स्कीमो मुस्तफीद सपदन कि अगर देखा जाए ये जो आई सी डी एस डिपार्टमेंट है जिसको हम ये आंगनवाड़ी वर्कर बोल रहे हैं इनकी जो काम है लोगों के साथ है तो ये जो रेजुलेशन वगैरह इनकी जो बनती है चाहे इनमें ये मैरिज इंस्टेंस हो या आगे जो क्या कह रहे हैं इसको ये ओल्ड एज वो जो पेंशन मिल रहा है 60 साल के बाद जो ये फार्म बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से बना रहे हैं मतलब पलाहलन में जितनी भी सेंटर है ये यहाँ से बना रहे हैं ये बाद में जाते हैं संभल होकर बांडीपुरा जाते हैं तो बांडीपुरा से आज तक कभी वापस नहीं आया। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मतलब जितनी भी ये जनता यहाँ पे है ये परेशान है, ये यही चाहते हैं कि इसको अगर मतलब तहसील पटन है पलाहलन पटन से जुड़ गया है तो आज तक ये डिपार्टमेंट इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा है। सर्कुल अख कि बची अगर कंस खानदर आर भरू हज फार्म अमि मिलन गोरमेंट तरफ कह पे गई पे फार्म हेत तम दुख हे ना रटान कह नती द्रा बच तम बचन तो फार्म वन तम तम कम्प्लीट क्या वनक नई फार्म कर कारवी बुथ गुम आंगनवाड़ी सेंटर दपान यह करन तो नाजरीन अत सत वोत कशर खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।